तो आज हम आपको बता दें स्कॉलरशिप की लेकर बड़ी अपडेट। जैसा कि सभी बच्चे एकदम परेशान हो गए थे कि स्कॉलरशिप का स्टेटस नहीं शो रहा है, तो वो बच्चों का परेशानी का टाइम अब हुआ ख़त्म। हम आपको बता दें, आप वीडियो को पूरा एक तरफ से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, क्योंकि जो बच्चे वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं वो अपने स्कॉलरशिप के स्टेटस को मिस कर जाते हैं और उनका स्कॉलरशिप में अकाउंट में पैसा नहीं आता। बाद में फिर वही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो चलिएगा देखते हैं कैसे हम चेक करते हैं स्कॉलरशिप का स्टेटस। यहाँ पे देख रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ दिया है अप्लाई ऑनलाइन, जो कि रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म हो चुका है। यहाँ फिर दिया है लॉग इन टू कम्प्लीट। फिर इसके बाद दिया है यहाँ पे देखिए हाउ टू फिल फॉर्म वीडियो। देखिए यहाँ पे जो दिया है लॉग इन टू कम्प्लीट फॉर्म, हम यहाँ पे ओपन करेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे से ये खुल रहा है। जैसे ही यहाँ पे खुलेगा हम आपको अगले स्टेप बताएंगे और आप वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यूस देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं और हमारे स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है, जो हम अपने स्टेटस की प्रॉब्लम को समझकर अपने विद्यालय और स्कूल में सारे डॉक्यूमेंट देकर वेरीफाइड करवा सकते हैं। जैसे ही ओपन होगा वैसे ही हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे करते हैं ओपन। सबसे पहले आप अपने फ़ोन को यहाँ पे कर लेंगे। देखिएगा दिया है डेस्कटॉप साइट, यहाँ से आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, स्टूडेंट पर जाएंगे। स्टूडेंट जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा लॉगिन दिया है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे होंगे। अगर जो बच्चा 10th में किया होगा वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन, अगर स्टेट से बाहर होगा वो अदर देन पे करेगा। जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होगा वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन पे करेगा। इसी तरीके से आप अपने जिस क्लास में होंगे उस क्लास को आसानी से चॉइस करके वहां से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिएगा जैसे ही ओपन होगा यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने को मांगेगा, आपके डेट ऑफ बर्थ को मांगेगा, आपके पासवर्ड को मांगेगा और आपके कैप्चा जनरेट को मांगेगा। तो हम वहाँ पर इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। देखिएगा सर्वर की प्रॉब्लम से ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। जैसे ही खुलता है वैसे ही हम आपको इसको बताएंगे कि कैसे ये आगे कार्य करेगा। यहाँ पे देखिएगा लगातार ये सर्वर की प्रॉब्लम पे चल रहा है, क्योंकि अभी अभी आया है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर परेशान हो चुके हैं अपनी साइट को चेक करने के लिए, स्टेटस को चेक करने के लिए। तो इसमें समय भी लग सकता है। तो समय लगने के साथ साथ हम यहाँ से देखिएगा यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, इसको कुछ और तरीके से खोलते हैं। देखिएगा कैसे ये ओपन होगा। यहाँ पे आप होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से आइकन बार मिलेगा। ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हमारा तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों का हो चुका है, हमको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। हमको यहाँ पे अपने सर्वर साइट पे आना है। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। देखिएगा जिस क्लास में आप होंगे वहाँ पे इसको टच करेंगे, फिर देखिएगा ये ओपन हो गया। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मांग डालिएगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद कैप्चा कोड, फिर यहाँ पे देखिएगा कैप्चा कोड जो मांगा है उसको आप अच्छे से फिल करिएगा। बारिश बाकी से फिर अगले देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 86427। ये देखिए ये कैप्चा आपका फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपका आइकॉन खुलेगा। आप देखिएगा यह मेरा खुल चुका है, यहाँ पे देखिएगा यह खुल चुका है। अब यहाँ पे ये शो हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आइकॉन बार में, यहाँ आपको पता भी चल रहा होगा। जैसे देखिएगा यहाँ आइकन बार में आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे शो हो रहा है। जब यहाँ पे शो हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसको क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ से क्या करेंगे,
देख लेंगे। अब यहाँ इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है आवेदन पत्र स्थित जानने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे स्टेटस खुल रहा है, ये देखिएगा जो स्टेटस ये खुल चुका है। सभी बच्चे ध्यान दें, अपने स्टेटस को अच्छी तरीके से देख लें। यहाँ मेरे देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोसेस हो गया है 24/11/2021 को, फाइनल सबमिट हो गया है 27/11/2021 को, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल भी हो गया है 3/12/2021 को, और जो मेरा है वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट से भी हो गया है 26/12/2021। अब देखिए जो करंट स्टेटस मेरा दे रहा है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। हम आपको बता दें जिन बच्चों का इस तरीके से दे रहा है स्कॉलरशिप पर स्टेटस, उन बच्चों का स्कॉलरशिप 15 फरवरी से 30, मतलब आपके मार्च तक जो होगा ये कम्प्लीटली आ जाएगा। ये मार्च के पहले वीक में या स्टार्ट के ही में हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों का सबसे पहले ही आएगा। इसी तरीके से बहुत बच्चों का स्टेटस दे रहा है DLW से अभी वेरीफाइड नहीं हुआ, तो वो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टेटस को देखेंगे, स्टेटस को देखकर फिर तुरंत ही उस पर एक्शन लेंगे या अपने विद्यालय में संपर्क करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके मित्र दोस्त यार हैं वो छूट ना जाएं, वो भी स्कॉलरशिप से वंचित ना हो पाएं, वो अपने स्टेटस को चेक करके अपने विद्यालय में जाकर इसकी पूरी जानकारी रखें। थैंक यू। जय हिंद।